this was a highly irresponsible act, and the answer given is equally irresponsible. अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हिंदुस्तान के वजीर दफा ने लोकसभा में जवाब दिया है वो नामुकम्मल है, नाकाफी है, उससे पाकिस्तान मुतमईन नहीं हो सकता। उसको मैं मुस्तरद करता हूं और मुतालबा करता हूं ऑफ ए जॉइंट प्रोब। तरफा इन्वेस्टिगेशन नाकाफी है, इसके असरात न सिर्फ इस खित्ते और बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते थे। मत भूलिए कि यह वो मिसाइल है दैट इज केपेबल ऑफ कैरिंग ए न्यूक्लियर वॉरहेड। ये उसमें उसकी पोटेंशियल था। और ये कह देना कि हादसा हो गया, ये काफी नहीं है। अगर पाकिस्तान उसको और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स उसको बर वक्त पिक न करती, अभी हिंदुस्तान की हदूद के अंदर उसको पिक न करती और खुदा ना खास्ता उस एक्सीडेंटल लॉन्च का एक एक्सीडेंटल रिएक्शन आ जाता, डू पीपल रियलाइज द इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट? That is very serious. क्या दुनिया को या इनको जिनसे मैं मुखातिब हूं ने एहसास है कि दिस मिसाइल कुड हैव लेड टू एन एक्सीडेंटल वॉर बिटवीन टू अटोमिक स्टेट्स? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ड्रामेटिक अबाउट इट। This is a very realistic assessment.